परिवार की सदस्य हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ। तो आज अगर वो सर पर हाथ भी रखें और प्यार से गले लगाकर मुझे कहें कि, और मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभिषेक ऐश्वर्या की डाइवोर्स की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वहीं ऐश्वर्या ने अब अपनी डाइवोर्स और अभिषेक के साथ चल रहे अनबन की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है, जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन दोनों की डाइवोर्स की खबरों से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में दरार की खबरें तब आई थी जब ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार को छोड़कर अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो गई थी और करवा चौथ उन्होंने वही मनाया था। अब काफी समय बाद ऐश्वर्या राय का एक बयान सामने आ रहा है, जिसे सुनकर उनके फैंस अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं। ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या हाल ही में वेकेशन पर न्यूयॉर्क गई थी। ऐसे में ऐश्वर्या राय जब वापस लौटी तो पपराजी ने उनसे बात की और ऐश्वर्या ने भी जवाब दिया। डिवोर्स की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर पेप्स ने ऐश्वर्या से पूछा, मैडम आप कैसी हैं? इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, सब ठीक है, शुक्रिया। ऐश्वर्या का ये बयान सुनकर उनके फैंस हैरान भी हुए और काफी खुश भी हुए। बता दें ऐश्वर्या राय के इस बयान के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बता दें कि इससे पहले अभिषेक बच्चन ने एक डिवोर्स का पोस्ट लाइक किया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई थी कि कपल जल्दी ही तलाक लेने वाला है। पर अब ऐश्वर्या का ये बयान सुनने के बाद उनके फैंस ने भी राहत की सांस ली है और फैंस को अब लगने लग गया है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच सब कुछ ठीक है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ऐश्वर्या और अभिषेक की डिवोर्स की खबरों पर और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि ऐश्वर्या ने अपनी डिवोर्स पर कुछ भी डायरेक्ट वे में नहीं कहा है।